रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी लेके। तो आज की मेरी रेसिपी है बटर कुकीज़। तो उसके लिए मैंने मक्खन लिया है आधा कप, ठीक है, और मैंने लिया है एक कप मैदा और एक छोटा कप मैंने लिया है चीनी। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं मक्खन को बीट करूँगी। इसको हमने बीट करना शुरू किया है, बीट करेंगे क्रीमी सा हमने इसको करना। अब हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और ये देखें ये क्रीमी सा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के इसको बीट करेंगे। अब हमारा ये हो गया, ये देखिए ये हमारा क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बर्तन हमारा छोटा था तो मैंने इसमें कर लिया। ये आप हमारा तैयार हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी शेप रेडी करूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी शेप तैयार करूँगी। अब हम ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लेंगे ऐसे, और ओवन मैंने अपना प्री हीट डिग्री 180 पे चला दिया हुआ है कि प्री हीट हो जाए वो, ठीक है। ऑयल लगाएंगे, आप टिश्यू के साथ भी लगा सकती हैं अगर आपके पास क्या नाम ब्रश नहीं है ब्रीजिंग, तो आप फिर इसको टिश्यू से हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, बटर पेपर लगाऊंगी ऊपर, चलिए इसको मैं रोली कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अपनी शेप रेडी कर लूंगी, डिफरेंट शेप्स मैं बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह, इस तरह से हम शेप बनाएंगे इसको, ये देखिए इस तरह से मैं डिफरेंट शेप्स बनाऊंगी। डिफरेंट शेप्स हम बनाएंगे कि बच्चों को पसंद आए।
इसी तरह मैं डिफरेंट चांसों के साथ डिफरेंट शेप सारी रेडी कर लेती हूँ। जी डिफरेंट शेप देखे मेरी रेडी हो गई है और ओवन मैंने अपना ये देखे प्री हीट कर दिया है। अब मैं इसको रखती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ठीक है 10 से 12 मिनट। 12 मिनट हो चुके हैं तो मैं ओवन बंद कर देती हूँ और अपने बिस्किट निकाल। जी बटर कुकीज नीलम शहजादी के रेडी हो गए हैं, मैंने निकाल लिया। अगर आप लोगों को नीलम शहजादी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भेजिएगा और नीलम शहजादी को दुआ में याद रखिएगा। तो ओके, खुदा हाफिज़।